क्या कहलवाना चाहते हो जिससे आपकी न्यूज चले खूब? रावण ने बुआ करा था। मैं बिल्कुल ध्यान हटाऊंगा नहीं, और मैं चाहता हूं कि देश में बदलाव हो, क्योंकि लोग नोटबंदी से परेशान हुए, जीएसटी से परेशान हुए, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, उद्योग कारखाने बंद हो गए। और सच्चाई ये है कि आज जब छुट्टी थी, नेताजी ने छुट्टी की थी, सरकार कंफ्यूज है, इन विश्वकर्मा समाज के लोगों से सरकार घबराई हुई है, उन्हें यही नहीं पता है कि आज छुट्टी है कि नहीं छुट्टी है, कुछ स्कूल बंद है, कुछ स्कूल खुले हुए हैं। ये हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों की ताकत ही है, जो सरकार कंफ्यूज हो गई। आप पता करिए सरकार से, सरकार कहती छुट्टी नहीं है, लेकिन सरकार ही कहती है कि छुट्टी होगी, तो हम किसका माने बताइए आप? तो इसका मतलब विश्वकर्मा समाज के लोगों से ये सरकार घबरा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं देश बहुत सी चीजों में पीछे है। महंगाई कितनी बढ़ रही है बताइए, डीजल पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा चमत्कार करें, ऐसा चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों का हो, कि जितना आज डॉलर में रुपया आ रहा है, एक दिन ऐसा आए कि रुपए में उतने डॉलर आए। आज बनारस में मैं चाहता हूं ये बीजेपी कब चमत्कार करेगी ऐसा? सर, ये सेकुलर मोर्चा जो है वो नेताजी को मैनपुरी से टिकट दे रही है, वो चाहते हैं कि टिकट। मैं कोई भी ऐसी न्यूज नहीं दूंगा जिससे आपको लाभ हो जाए। उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया मैनपुरी, आपको गठबंधन में उनको भी साथ लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन विश्वकर्मा समाज के लोगों के सामने भगवान विश्वकर्मा जी की बहुत बड़ी मानी जय तो है ही है, और आशीर्वाद भी मिले। और ये जो हमारा रिवर फ्रंट कनाडा के लोग देखने आ रहे हैं, मैंने सुना है कि दुनिया से बाहर के लोग आए हैं और हमारे नदी के किनारे को देख रहे हैं। और इससे शुभ क्या हो सकता है कि जब हम भगवान विश्वकर्मा जी को याद कर रहे हों, तो बहुत अच्छा कोई स्थल वहां बनाया जाएगा भगवान विश्वकर्मा जी के नाम पर, नदी के गोमती के किनारे। है देखिए, जन्मदिन तो है, तो जन्मदिन पे बधाई होनी चाहिए, लेकिन हम लोग हैं तो हम लोग पार्टी की भी उम्मीद करते हैं। अच्छा, हमें पार्टी न दें, कम से कम देश को, उत्तर प्रदेश के लोगों को पार्टी मिले कुछ। कम से कम जिस सड़क का शिलान्यास किया है, ये जो गाजीपुर को जोड़ने वाली सड़क और बलिया छूट गया उससे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जन्मदिन जब हम सब लोग बधाई दे रहे हैं उन्हें, तो कम से कम बलिया जोड़ दें। 20 किलोमीटर जुड़ा हुआ छूटा हुआ है पटना से जो सड़क आ रही है, या बिहार से जो सड़क आ रही है, तो उस सड़क से ये एक्सप्रेसवे जोड़ दें। और वहीं क्यों उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी पर ज्यादा दबाव बना रहे हैं? उनको पैसा लेना पड़ रहा है सड़क बनाने के लिए, बैंक से सुनने में आया है महंगे लोन लेना पड़ रहा है उनको, बैंक से पैसा उठाना पड़ रहा है। और आज के दिन अगर पैसा बैंक से उठाओगे तो कैसे कारोबार चलेगा? पता नहीं कब वापस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब जन्मदिन हो रहा है तो कम से कम एक्सप्रेस वे के लिए गिफ्ट मिल जाए, पूरा पैसा केंद्र सरकार दे दे। सर, रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच हो रही है और यूपी सरकार उसको मॉडल के रूप में पेश करके रही है अभी जो कनाडा से, इसीलिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार कंफ्यूज है। आधे स्कूलों की छुट्टी की हुई है, आधे स्कूलों को बंद कर दिया, तो इन्हें सरकार के लोगों को सोचना चाहिए कि विश्वकर्मा समाज के लोग अगर नाराज हो गए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। भगवान विश्वकर्मा से हमारा पुराना संबंध है, ये हमें तो पता ही नहीं था। भगवान विश्वकर्मा जी ने ही द्वारका बनवाई थी, और हम तो अपना संबंध ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब विश्वकर्मा समाज को हम कभी भूल नहीं सकते जिन्होंने द्वारका भगवान कृष्ण की बनाई हो। ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो यदवंशियों को बहुत कुछ कह रहे थे, कम से कम चुनाव ने उन्हें थोड़ा सबक सीखने को मौका दिया है।
मैं आप सब प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी अपने कैमरे की पूजा करें क्योंकि आज भगवान विश्वकर्मा जी का आपको भी आया होगा। अच्छा मिलेंगे अभी मिलेंगे आरएसएस की तरफ से सर आपको एक न्योता आया होगा उनके कार्यक्रम के लिए। मैं नहीं मैं